Get ready, y'all. It's the Bangalore Bulls. Bulls charge, Jumari. की बहुत अच्छी टीम है और हमने बहुत ही अच्छी रणनीति अपनाई थी उसके ऊपर, लेकिन और दो पॉइंट से हम उसमें लूज हो गए। लेकिन ये दुर्भाग्यवश है कि हमारे जो मेन रेडर थे अजय ठाकुर, वो ज्वाइंटिस और टाइफाइड से ग्रस्त थे, और इसलिए हमें हमारी जो रणनीति बहुत अच्छी रणनीति बना रखी थी और लास्ट टाइम में हमने कड़ा संघर्ष किया, लास्ट टाइम में हमारी रणनीति थोड़ी सी चूक हो गई क्योंकि अजय जो है वो उसमें अच्छा प्रदर्शन जो उम्मीद थी वो नहीं कर सका। लेकिन बीमार होने के बावजूद अजय ठाकुर ने कहा, नहीं गुरुजी, मैं सर मैं खेलूँगा और अच्छा प्रदर्शन करूँगा। हालांकि उसकी बहुत तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन फिर भी उसने अच्छा किया और हमने बहुत ही कड़ा संघर्ष किया, कड़ी फाइट दी और वो उनका लक था कि वो जीत गए। पहला मैच यू मुंबा के खिलाफ हम काफ़ी बुरी तरह से हारे थे, फिर उसके बाद आपने क्या चेंज किया कि वापस आए फिर एकदम करारा हार दे दिया उनको, क्या चेंज किया आपने? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम किसी टीम से हारे नहीं, जिससे हारे हैं तो हमने उसको बदला ले लिया। हर मैच में हमने, जैसे जयपुर से हम हारे हमने जयपुर को मार दिया, बॉम्बे से हम हारे हमने मुंबई को मार दिया, दिल्ली से हमने दिल्ली को मारा, हमने हरेक से बदला लिया है और हमने जो है अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया है प्रो कबड्डी में। सर जयपुर की बात करेंगे अगली, जयपुर के खिलाफ हम जब जयपुर में गए थे तभी अजय खेल नहीं पाया था वो मैच, हमारा मेन रेडर मिसिंग था वो मैच में, आपने उनको बहुत अच्छा टफ फाइट दिया, थोड़े पॉइंट से हम हारे, फिर जब ही वापस आए वही आपने कैसी स्ट्रैटेजी चेंज करके फिर जयपुर को हराया? ये मैंने पूरा अध्ययन किया, अजय के बगैर जब हम चार पॉइंट से लूज हुए हैं तो अजय आने के बाद हम इनको अपनी रणनीति के तहत मारेंगे, और हमने उनको बता दिया, हमने जो उनकी कमी आती वो ले ली और हमने उसी पे बच्चों को बताया कि ये उनकी कमियां हैं, क्योंकि जब हमारे बच्चों का मोल अप था, जब अजय ठाकुर के बिना हमने उसको चार पॉइंट से हम लूज हुए हैं तो हमने रणनीति चेंज कर दी, उन्हीं को खेलने दो, डिफेंस में भी लो और उसमें भी लो, उन्हीं को खेलने दो। हमने रणनीति चेंज कर ली और उस रणनीति का ये हमें बेनिफिट हुआ कि हमने जयपुर को हरा दिया।